भरूच से पकड़ा गया है पाकिस्तानी जासूस। सीआईडी ने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। भरूच से जासूस प्रवीण मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। भारतीय सेना की जानकारी आईएसआई को भेजता था। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। जतिन रावल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, क्या पूरी डिटेल है, कौन था ये? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो भरूच से जो पाकिस्तानी जो जासूस जो पकड़ा गया है, जिसको सीआईडी क्राइम जो है, वहाँ सीआईडी क्राइम ने जिसको जो है वो पकड़ा है, वो भारतीय सेना की जासूसी करने वाले एक ये प्रवीण मिश्रा जो था उसको भरूच से पकड़ा गया, जो कि सारी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान तक जो है वो पहुंचाता था। भरूच को भरूच में जिस जो जहां पर वो था उसके वहां पर सूत्रों के मुताबिक जो सीआईडी क्राइम को जो खुफिया जो जानकारी जो मिली थी उसके मुताबिक उसको वहां पर जो है वहां पर उसके पीछे जो है काफी एजेंट जो है वो लगाए गए थे। उसके बाद जो ये जो सारी जानकारी थी वो साझा हो पाई कि वो काफी सारी जो गुप्त जो सूचनाएं थी वो पाकिस्तानी एजेंटों को जो है वो बेचता था। हालांकि इसमें हनी ट्रैप का भी हनी ट्रैप के बाद ही ये सारा जो मामला था वो चला था। हनी ट्रैप उसका एक पाकिस्तानी एजेंट के द्वारा हंड्रेड किया गया था। उसके बाद जो प्रवीण कुमार जो मिश्रा है उसके द्वारा ये सारी जो जानकारी थी वो अलग अलग जो जगहों पर भेजी जाएगी। वो एक सोशल मीडिया के द्वारा जो है वो सारी जानकारी जो है वो पाकिस्तानी एजेंट को जो तो वो साझा कर रहा था, लेकिन जिस तरह से वो सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया जो पेज था वहां पर जब जांच की गई तब पता चला कि वो एक जासूसी एजेंसी आईएसआई जो जुकनिया है, जुकनिया सिंह एक युवक जो है वो जानकारी इसमें जो है वो मांग रहा था। यानी कि सारी जो जानकारी है इसको भरूच से जो है अभी फिलहाल उसको बरामद कर दिया, उसको पकड़ लिया गया है। अभी हाल ही में उसको जो है वहां पर अहमदाबाद जो गांधीनगर में उसको जो सीआईडी क्राइम है वहां पर उसको लाया गया था। उसकी अभी जो है जिस तरह से अभी जो है उसकी पूछताछ चले, हो सकता है कि अभी पूछताछ में और भी बाकी जो डिटेल है वो भी इसमें जो है वो सामने आते हैं। सारी डिटेल जो है जांच के बाद पता चल सकता है इसने कितनी जो 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 जरूरी जो जानकारी जो है वो उसने जो है पाकिस्तानी एजेंट जो आईएसआई को जो है वो उसके द्वारा जो है वो साझा की गई, उसके बाद सारा जो मामला जो है वो सामने आ सकता है। जी, और फिलहाल कितने टाइम से ये एक्टिव था और किस तरीके से आईएसआई को दे रहा था? कुछ और भी लोग इसके संपर्क में हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके संपर्क में और एक दो लोग होने की जो गुंजाइश है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये अभी इसका जो है वो बाहर जो आया नहीं है इसका, लेकिन फिर भी ये तकरीबन पिछले एक या डेढ़ साल से वो लगातार जो था वो इस सोशल मीडिया साइट के द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ था, और इसी के द्वारा वो जो पाकिस्तानी एजेंट को जो है वो अपनी भारत की सारी वायुसेना की जो जानकारी है, जो खुफिया जानकारी जो किसी के साथ शेयर नहीं कर दी, वो जो हनी ट्रैप का शिकार होने के बाद वो जो था वो पाकिस्तानी एजेंट को सोशल मीडिया के द्वारा जो है वो तकरीबन पिछले एक साल से जो है वो साझा कर रहा था जरूरी जानकारी। जी, तो क्या इसके पीछे भी मोडस ऑपरेंडी हनी ट्रैप है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि जो सोनल गर्ग की जो महिला थी जिसके द्वारा ये हनी ट्रैप जो था वो किया गया था, हनी ट्रैप के बाद ही ये जो जाल था वो बिछाया था। हालांकि ये पहले से ही पूर्व आयोजित था और इसी के द्वारा जो हनी ट्रैप में इसको जो है वो शिकार बनाया गया। उसके बाद जो उसकी जो जानकारी है वो उसे जिस तरह की जो भारतीय वायुसेना की जो जानकारी उसको दे दी वो डायरेक्टली उससे नहीं मांगी गई, एक सोशल मीडिया के साइट के द्वारा जो है उससे जानकारी जो थी वो मांगी गई। इसमें और भी जानकारी निकालने के पीछे वो खुद निकाल नहीं सकता था, इसके लिए और भी कुछ लोगों की उसने जो है वो मदद ली होगी। ऐसी जो यहाँ पे जो सीआईडी क्राइम के जो एसपी है संजय कराड़, उनके द्वारा बताया गया कि उसकी पूछताछ चालू है, हो सकता है इसमें आगे और भी नाम जो है वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए जतिन।